उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को जो बंपर जीत मिली है उससे बीजेपी को और ज्यादा मजबूती मिली है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार से अलग ये खुशी है जिसने बीजेपी के लिए मरहम का काम किया है। उत्तर प्रदेश में योगी राज में जो भारतीय जनता पार्टी का डंका बजा है, भाई प्रदेश की सभी 17 शहरों के नगर निगम पर भगवा जो लहरा दिया गया है। लेकिन इस विजय पताका का श्रेय सिर्फ योगी को नहीं जाता, क्योंकि किसी एक के करने से मुमकिन भी नहीं होता। सबका साझा प्रयास ही जनता के मन में बीजेपी को जिताने के लिए उत्साह भरता है और इसके लिए योगी का पूरा मंत्रिमंडल, बीजेपी के कार्यकर्ता सब काम करते हैं। लेकिन इन सब लोगों में एक नाम बहुत खास है, एक नाम जिसे जीत का ज्यादा से ज्यादा श्रेय दिया जाना चाहिए, जो ये श्रेय डिजर्व भी करता है, AK शर्मा, यूपी के नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा जी। इनके सिर पर भी बंधा है नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का सहरा। यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में AK शर्मा की तरफ से चलाए जा रहे अभियान का ही परिणाम है कि लोग नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के पक्ष में दिखे और उत्साह से लोगों ने नगर निकाय के चुनाव में कमल खिला दिया। इसके लिए नगर निकाय के अधिकारी, कर्मचारी और सफाई कर्मियों का बहुत योगदान रहा। सफाई मित्रों और नगर कर्मियों की मेहनत से नगर विकास विभाग की तरफ से चलाए गए नगरीय स्वच्छता, सुंदरता, विकास, सेवा, सफाई को जीत के पीछे की वजह करा दिया गया। PM नरेंद्र मोदी के खास माने जाने वाले AK शर्मा का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। नगर निकाय चुनाव के ठीक बाद में उन्होंने भी अधिकारियों संग बैठक की और काम में गुणवत्ता को बनाए रखने के निर्देश दिए और साथ ही इस अवसर पर प्रमुख सचिव और अन्य उच्च अधिकारियों के साथ खुशियां भी बांटी और उनके योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद भी कहा। वैसे आप जानते हैं कि ये AK शर्मा है कौन, जिनको यूपी की 17 की 17 मेयर सीट जिताने का श्रेय दिया जा रहा है। कौन है AK शर्मा? मऊ के थाना रानीपुर की काझा खुर्द ग्राम सभा के निवासी हैं अरविंद कुमार शर्मा। 1988 गुजरात बैच के IAS ऑफिसर हैं। सन 2002 में मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके करीब आए AK शर्मा। गुजरात का CM रहने के दौरान नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वासपात्र अधिकारी बनकर उभरे। गुजरात में लंबे समय तक सेवाएं दे चुके हैं AK शर्मा। गुजरात से लेकर नरेंद्र मोदी के 2014 लोकसभा की पहली और दूसरी पारी संभाली। रिटायरमेंट से 2 साल पहले ही VRS लेकर यूपी में AK शर्मा को MLC बनाकर भेजा गया। जनवरी 2021 में लखनऊ में AK शर्मा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सदस्यता ग्रहण कराई थी। कोरोना काल में अपने कर्तव्यों का विशेष रूप से AK शर्मा ने निर्वहन किया। उत्तर प्रदेश में सदस्य विधान परिषद और बीजेपी संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार की दोबारा सरकार बनने पर AK शर्मा को कैबिनेट मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया और अब निकाय चुनाव में योगी की जीत का श्रेय, बीजेपी की जीत का श्रेय AK शर्मा के भी हिस्से आया है। पहले मोदी के साथ रहे तो उनके लिए लकी साबित हुए और अब जब योगी के साथ हैं तो उनके लिए लकी साबित हो रहे AK शर्मा के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।